18वीं लोकसभा में देश का सबसे अमीर सांसद अगर सर्च किया जाए तो सिर्फ एक नाम उभर कर आएगा, वो है आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी, जिन्होंने गुंटूर लोकसभा क्षेत्र से तेलुगु देशम पार्टी के सिंबल पर जीत का परचम लहराया। एनआरआई डॉक्टर से सांसद बने पेमासानी 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। पेमासानी 5,705 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक हैं। इसके साथ ही वो यूवल के संस्थापक और सीईओ भी हैं। पेमासानी के इतिहास पर नजर डाले तो उन्होंने 1999 में हैदराबाद के अस्मानिया मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की, बाद में अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। 2005 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजिंगर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिकल में एमडी की उपाधि हासिल की। चंद्रशेखर का परिवार गुंटूर जिले के बुरलीपा लेम का रहने वाला है। उनके पिता बाद में नरसरावपेट चले गए, जहां वो एक होटल चलाते थे। वहीं विदेश में रहने के बावजूद पेमासानी ने गुंटूर से रिश्ता बनाए रखा और अब वो यहीं से चुनकर सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँच गए। बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी 8 लाख से अधिक वोट पाकर विजय हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही राजनीति में एंट्री ली हो। वो बहुत पहले से टीडीपी के कार्यक्रमों में एक्टिव रहे, यही वजह है कि पार्टी ने उन पर दांव चला था और ये दांव एकदम सटीक साबित हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।